राम कथा सारी कथाएं हमको आपको सबको ये उपदेश देती हैं कि जीवन का अंत समय आवे तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। बुढ़ापी का वृद्धापन की अवस्था हो जरूर भगवान से प्रेम करो, भगवान की मूर्ति से प्रेम करो। हाँ, जिस कमरे में निवास स्थान बनाओ चारों तरफ भगवान की फोटो लगा हुआ कि मन कहीं जाए तो भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। सती जी ने आज अपने जीवन के अंत समय में भगवान से प्रार्थना किया कि सती मरत हरि सनवर मांगा, 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 जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। हर जन्म में अगला जन्म अगर कोई मुझे मिले तो पति के रूप में संसार सागर में कोई मिले तो भोलेनाथ ही मिले, याद रखना। सती मरत हरि सनवर मांगा, और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा, अस कहियो अग्नि तन जारा, भय सकल मख हाहाकार, भय सकल मख हाहाकार। सती जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मन में प्रार्थना करके और अपने दाहिने अंगूठे को उसी पृथ्वी पर जब रगड़ना प्रारंभ किया तो योग अग्नि प्रकट हो गई और उसी योग अग्नि में सती जी ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर लिया। आज सती जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। सज्जनों, सारे संसार के देवता सब त्राहि 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 करने लगे। नारद जी पहुंच गए भोलेनाथ के पास, बाबा सती जी को आपने भेज दिया प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ में, वहां आपके अपमान को सती नहीं सुन पाई, अपने शरीर को जला करके भस्म कर लिया। उसी समय सज्जनों भोलेनाथ ने आज वीरभद्र नाम के एक गण को भेज दिया। अब वीरभद्र जब चला तो भोलेनाथ ने आदेश दिया जाकर के प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ को विध्वंस कर दो, और वीरभद्र चल पड़ा सज्जनों जाकर के सबसे पहले यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चला। परंतु प्रजापति दक्ष ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन यज्ञ बंद नहीं होगी। आकर के आचार्यों को समझाना प्रारंभ किया लेकिन माना नहीं। वीरभद्र आदि शिव जी के सारे गण पधारे और क्रोध में आकर के शिवगणों ने पूरे यज्ञ का विध्वंस किया और प्रजापति दक्ष के शरीर से सज्जनों आधे मुख को गले को अलग करके और योगाग्नि में ही उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए भक्तों, श्री भगवान।